इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात तमीज से और एतराज दलील से किया करो, क्योंकि जबान तो हैवान में भी होती है मगर वो इल्म व सलीके से महरूम होती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अए लोगो, अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो कभी कामयाब नहीं होता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत हासिल नहीं करता तो अल्लाह ताला उसके हालात से लोगों को इबरत देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी दूसरे लोगों के ऐब की तलाश में रहता है तो अल्लाह उसके ऐब जाहिर कर देता है, और यूं वो दुनिया में रुसवा होने लगता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना हो सके लोगों के एहसान ना उठाओ, क्योंकि एहसान का बोझ इंसान के सर को हमेशा झुका लेता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हर जगह सुरखरू रहना चाहते हो तो अपने अंदर झुकाव पैदा करो, क्योंकि जिस इंसान में तकब्बुर नहीं होता तो अल्लाह उसकी तरफ कामयाबी की राहें खोल देता है। शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तभी हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है, ताकि इंसान को बेहतर से बेहतरीन रिश्ता मिल सके। अगर आप अपने लिए या अपने अजीज व अकारिब में से किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो अल्लाह के करम से पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मेहरबान शादी दफ्तर के पास मौजूद हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली, जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे।